Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. خواہش کہوں سے یا تم مدد کرو سے دل بے قرار ہے دل بے قرار ہے تو محبت کہو اسے خواہش کہوں سے یا تم مدد میں بتاؤں آپ سے کہ ہانیہ اس گھر میں کیوں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اس گھر میں میری بیوی بن کے رہ رہی تھی السلام علیکم شہناز تمہاری بیٹی آئی ہے کیا تمہارے ماں باپ کو پتہ چل گیا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اب کھل کے رہنا اپنی بیوی کے ساتھ میں تمہارے ہاتھ آگ جھوڑتا ہوں پتہ کچھ تو مجھے اپنے ساتھ لے چلو باجی اگر میں اس جیسے مر تو سب بہت ہو کیا کر رہے تھے آپ کیوں میں نے کیا کیا سب سن لیا میں نے دیکھ لیا کس طرح سے گڑ گڑا رہے تھے آپ اس کے سامنے میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو آپ کو اتنا ہی شوق تھا کینیڈا جانے کا تو میرے بیٹے سے بات کرتے نا اس عورت کے سامنے کیوں ہاتھ جوڑ رہے تھے آپ میں نے کہا کہ نا مجھے چائے پلا دو میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے میری بلا سے ہوتا رہے آپ کے سامنے درد یہ تو نسیں پھٹ رہی ہیں غصے کے مارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس طرح سے منتیں کریں گے اس عورت کی ایسے آپ گر جائیں گے اس کے سامنے ٹھیک ہے میں خود جا کے بنا لیتا ہوں پہلے میری بات کا جواب دیجیے آپ دو پیالی بنا لیتا ہوں تمہاری رگوں کی بھی ٹکر ہو جائے گی زہر ہے مجھے جو ایک گھونٹ پانی بھی پیوں میں اس گھر میں کیوں خامخیں آگ اگلا ہو رہی ہو خدا خدا کر کے تو اب گھر میں خاموشی ہوئی ہے اب تم پھر نیا سے آپ ڈال دو تو آپ نے بے عزتی کی ہے میری سر چکا ہے میرا مان توڑا ہے میرا بیویوں تو فخر کر شوہروں کی غیرت پر مطلب تمہاری نظر میں میں نے بے خرتی کی بھیک منگے بھی ایسے نہیں کرتے جیسے آپ کر رہے تھے ارے پوچھیں تو کیا ہوا اٹھا لیں گے ایک دوسرے کا بوجھ پوری دنیا میں ہم اکیلے ہی نہیں ہیں سارے راستے بند ہو جائیں ساری راہیں مسدود ہو جائیں تو ایک سب سے بڑا سہارا تو ہے نا اوپر اللہ کا یا
गया, उस पर से भी ईमान उठ गया आपका। अंग्रेजों के टुकड़ों पर पलना चाहते हैं। बेईमान बेवा, ये हुई ना बात, आज तुम लगी हो मेरी पक्की बीवी। और आज आपने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया। इधर आओ ना, आओ बैठो। आप इधर देखो मेरी तरफ, जिससे से बताओ, तुमने मुझसे खुद नहीं कहा था ये सब कुछ करने के लिए है? और अब ताने दे रही हो। मैंने कब कहा आपसे ये सब कुछ करने के लिए? और क्या, तुमने तो कहा था, तुमने मुझसे कहा था कि देखो बेटी के घर को बचाना है, तो तुम्हारे रोने धोने से नहीं रुकी, मैंने रोना शुरू कर दिया। भाई रोकना तो था ना उसे किसी तरह से, रोका तो मैंने बेटी के घर को तो बचाना था। देख लिया है हर जगह, पता करवा लिया है, जितने मेरे रिसोर्सेस हैं, एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर लिस्ट, रेलवे की पैसेंजर लिस्ट, कहीं कोई नामो निशान नहीं है उसका, और ऊपर से उसका सेल भी बंद ही आ रहा है। यहाँ तक कि मैंने हॉस्पिटल तक से चेक किया, कुछ पता नहीं चल रहा उसका। उसकी एक माँ भी है मुनीब। हाँ लेकिन मेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ना, आई एम श्योर कि उसने अपनी माँ को भी कॉन्टेक्ट नहीं किया होगा। औरत जब टूटती है ना मुनीब, तो उसके पास दो ही सहारे होते हैं, एक अपनी माँ की गोद और दूसरा अल्लाह। वो सिर्फ उन्हीं की तरफ देखती है, चाहे सारी जिंदगी कॉन्टेक्ट ना किया। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि उसकी माँ किधर रहती है। वैसे उसने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलवाना चाहती है, लेकिन तुम आ गई तो बात बीच में ही रह गई। और तुम रिलैक्स हो गए कि वो तो चली गई है, मेरा तुम्हारा इश्यू रिजॉल्व हो गया? ऐसा नहीं है मुनीब, अब चाहे तुम मस्जिदों में ऐलान कराओ, पुलिस स्टेशन जाओ या अखबारों में इश्तिहार दो। अच्छा अच्छा अबे तूने अमजद ये वीडियो देखा है? अभी डाउनलोड किया मैंने YouTube से, देख देख देख, बड़े मजे का है, अभी भेजता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ तेरे नंबर पे तुम दोनों को। अरे क्या बात है अम्मी, आप इनको थोड़ा सा तो खामोश करवाएं, मेरा कल टेस्ट है, एक लफ्ज नहीं याद हो रहा मुझे। ठीक है तुम जाके छत पर पढ़ लो, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। आप तो कम से कम टीवी की आवाज आहिस्ता कर ले। तुम अपने लाडले को समझाओ, सारा जोर मुझ पर ही चलता है क्या? सुहेल, सुहेल इधर आओ। यार एक मिनट जरा, नेट स्लो है, अभी डाउनलोड करते हैं, मैं बात सुन के आया। जी अम्मी। तुम्हें पता है ना हमारे घर में गेस्ट ठहरी हुई है और उसे कुछ जरूरी काम भी करने होते, तो मैं क्या करूं, अपने दोस्तों को धक्के देकर निकाल दूं क्या? अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, परेशान मत हो आप। तो इस लड़के को ना किसी चीज की परवाह नहीं है। एक एक पाई जमा करके इस लड़के की फीस दे रहे हैं, लेकिन इसके शुगल मेले ही खत्म नहीं होते। तुम चाहो तो मेरे कमरे में जाकर अपनी कमर सीधी कर लो। नहीं अम्मी मैं ठीक। चलो फिर मैं खाना बना लेती हूँ, तुम कहो तो एक कप चाय बना दूँ पहले तुम्हें?
जी अम्मी प्लीज एक कप चाय बना दे, बस मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मैं साथ में टैबलेट भी देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ क्या हुआ? अरे यही तो अदाए है तुम्हारी नफीसा बेगम है कि हम आए और तुम जल्दी हैं। अच्छी मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत के मुतलाशी हो तुम? ऐसे घरों में कोई उल्फत नहीं होती जहां औरत काम भी खुद देखे और घर भी चलाए। हाँ इस बात का तो मुझे भी बहुत दुख है नफीसा बेगम कि अंदर ही अंदर से ना ये बात मुझे दीमक की तरह काटे जा रही है। हाँ पता है तो मैं इस तरह तुम्हारी खूबसूरत आंखों को देखता हूँ ये बारीक सिलाई करते हुए तो मेरा दिल रोता है, लेकिन ये आंसू आंखों से नहीं बहते, अंदर अंदर गिरते हैं नफीसा अंदर। तो वहां मुझे इनका शिकवा करना भी छोड़ दिया मैंने। देखो बीवी बच्चों की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, उनको ठेका तो नहीं लिया हुआ। लो मैं कर, हाँ तुम कर लो, मैं पका दूंगा आके। हाँ वादा। अच्छा मैं फिर चलता हूं। हाँ देखना अब एक दिन ना मैं ये सारे घर का बोझ मैं खुद उठाऊंगा और अपनी कट्टों को काम नहीं करने दूंगा कोई। है ठीक है मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जिस काम के लिए तुम मुझे भेज रही हो वही करने के लिए जा रहा हूं। सूट पहन कर हाँ अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठ के दो चार फोन घमा लोगे, यह है तुम्हारी तलाश? यह तो तुम घर से भी कर सकते हो। मैं इस बार मैं मस्जिद में जाके ऐलान करवाऊंगा। मुनीब मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूं और तुम मुझे ताने मार रहे हो। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है ना, तुम क्या करना चाह रही हो? फर्ज करो कि मैं उसको ढूंढ के ले भी आता हूं तो तुम क्या करोगे? वो मेरी मर्जी है। हाँ मैं उससे मिलके उसके मुंह पे चपेड़े मारूं, प्यार करूं, गले से लगाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ओके एक बात बताऊं तुम्हें, वो मिल भी गई ना तो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी। तुम कर रहे हो ना तो वो क्यों नहीं कर सकती? देखो हिना उसको उसके तौर पर रहने दे, वो जहां भी है ना अपना रास्ता बना लेगी वो। मतलब तुमने अपना रास्ता तलाश कर लिया? मतलब अच्छी तरह समझते हो तुम मतलब। अगर तो तुम्हें इस बात का शक है कि मैंने उसे छुपा के रखा है तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं बच्चों की कसम, मेरे बच्चों को बीच में मत लाया करो मुनीब। तो फिर तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो? क्यों नहीं यकीन करती तुम्हारी बात? उसे मेरे सामने ले आओ कर लूंगी। बेटा तुम क्यों से तलाश कर रही हो? हैं बस गई सो गई, यूं समझ लो कि एक बला थी टल गई। नहीं अम्मा वो बला अभी नहीं टली।
क्या तुम आदत कौन सी ख्वाहिश कौन सी क्या तुम आदत कौन सी ये तो गया तो मेरी जान फिर अब क्या करना है, है? ये भी आई चार मिस्टेक बिल्कुल ऐसे ही कंगले हुए हैं लोग शोक शो करा दे हार तो तू ले जाना ही है हार क्यों जाना है पैसे लगाए हैं हार तो जाना ही है शोहा क्यों हो रहा है अबे बादशाह शोखा होता है क्या है बस इकबाल साहब एक मिनट एक मिनट ये यका भी होता है वो भी हुक्म का लोग ऐसे कंगले नहीं हुए यार किस्मत ही खराब है तबाह हो गया एक बाल है और कर लो एक के दो दो के चार चार के सोलह छप्पन पर मैं नहीं खेल रहा जा रहा हूं मैं जाओ सर तो ना खाओ मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है ना तुम क्या करना चाह रही हो फर्ज करो कि मैं उसको ढूंढ के ले भी आता हूं तो तुम क्या करो वो मेरी मर्जी है हाँ मैं उससे मिलके उसके मुंह पे चिपेड़े मारू प्यार करूं गले से लगाऊं दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस ओके एक बात बताऊं तुम्हें वो मिल भी गई ना तो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगी देखो है ना उसको उसके तौर पर रहने दो वो जहां भी है ना अपना रास्ता बना लेगी हिना जी अम्मी बेटा तुम क्यों से तलाश कर रही हो हैं बस गई सो गई यूं समझ लो कि एक बला थी टल गई नहीं अम्मा वो बला भी नहीं टली तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे जाने के बाद वो दोबारा इस घर में आके बैठ जाएगी भूल जाओ इस बात जब तक मैं जिंदा हूं ना वो दोबारा इस घर में कदम भी नहीं रख सकती आपका बेटा तो उससे मिलने जा सकता है ना तो भाई तुम मुनीब को अपने साथ ले जाओ ना बस ले जाओ उसे और वो यहाँ बस कभी कभार हमसे मिलने के लिए आ जाया करे तुम हमेशा साथ आना अब मैं उसकी चौकीदारी करूंगी वहां पे हाँ और इतना बिजनेस जो यहाँ फैला हुआ है उसका क्या होगा तो तुम क्या चाहती हो उसको यहाँ बुलाकर अपने सामने तलाक दिलवाना चाहती हो आप यही समझ रहे चले अम्मा कमरे में जा रही हूँ पैकिंग करनी है मुझे अम्मी ये कुछ पैसे यहाँ रख ले किस चीज के घर का सौदा सिर्फ ले आइएगा ना अरे नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मी प्लीज तुम दो दिन के लिए मेरे घर मेहमान आई हो मैं तुमसे खाने पीने के पैसे लूंगी खाने पीने के नहीं है अम्मी वैसे ही दे रही हूँ रख लीजिए नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए
अम्मी आप अपने लिए अच्छे जोड़े ले आइएगा, मैंने देखा है आपके पास बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं। बेटा मुझे क्या करना है सच संवर के, मैं तो चाहती हूँ बस मेरे बच्चे किसी जगह पहुँच जाए। ये लड़का तो कुछ नहीं करके देगा, हो सकता है लड़की ही कुछ कर ले। सजाद के तो तुम्हें काम का पता है, कभी अच्छा है और कभी बुरा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है गाड़ी अच्छे से चल रही है। तुम ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ रहने का कब तक प्रोग्राम है? आप बताएं अम्मी आप कब तक अफोर्ड कर सकती हैं मुझे? नहीं नहीं जब तक तुम्हारी मर्जी है तुम रहो, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई अच्छा कोना नहीं है और ना मेरे घर के लोग अच्छे हैं जो तुमसे बात करें। यहाँ तो इन लोगों की आपस में नहीं बनती है, तुम्हें क्या मुँह लगाएंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अम्मी, मुझे तो बस अपने लिए कुछ दिनों के लिए एक कॉर्नर चाहिए जहाँ पे मैं थोड़ा आराम कर सकूँ, बहुत थक गई हूँ। वो तो नज़र आ रहा है भाग भाग कर बहुत थक गई हो, बीमार सी लगने लगी हो। वो अगर तुम कहो तो मैं सामने वाले लोगों से बात करूँ, उनका पोर्शन खाली हो रहा है, बहुत अच्छा स्टूडियो नुमा फ्लैट है, किचन सहन बेडरूम सब अच्छा है और शायद परसों तक खाली भी हो जाए। तुम किराए की फिक्र मत करो, वो मेरी खातिर। आप फिक्र नहीं करें मुझे यहाँ वैसे भी नहीं रहना, बाहर जा रही हूँ। इस मुल्क से बाहर जा रही है? जी। कहाँ? दुबई। मेरी एक दोस्त है मम्मी, वो वहाँ पे जॉब करती है, मेरे लिए भी जॉब ढूंढ रही है। आप बस दुआ करें कि जल्दी से काम बन जाए। अच्छा चलो ये बताओ अपने बारे में क्या सोचा है, शादी कब करोगी या ऐसे ही तनहा जिंदगी गुजारनी है? अम्मी सोच लूंगी वो भी जब वक्त आएगा। वक्त आएगा नहीं बेटा, निकल जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम ये दुबई वुबई का चक्कर छोड़ो, यहीं रहो मेरे पड़ोस में और छोटी मोटी नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, फिर मैं कोई अच्छी मुलाजमत वाला लड़का ढूंढती हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ घर बसाओ और सुकून से रहो। अम्मी अभी तो बस मैं 2-4 दिन आपके पास आई हूँ, अभी मुझे आराम करना था, ये सारी बातें बाद में सोच लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ, तुम देखो तो जरा बालों का क्या हाल हो गया तुम्हारे, मसाज करूंगी ना तो तुम्हें अच्छी सी नींद आ जाएगी, तुम थोड़ी देर यहीं सो जाना। रहने दे, आपको खुद कितने सारे काम है अभी। नहीं बेटा काम तो होते रहेंगे, इस बहाने मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगी थोड़ी देर। देखो तो जरा बालों का तुमने क्या हाल कर लिया, कितनी खुश्की हो गई है, लग रहा है सालों से तेल नहीं लगा इसमें। कितने अच्छे बाल होते थे तुम्हारे, घने चमकदार, तुमने क्या कर लिया है बालों का, हाल सारा ख्याल नहीं रखती अपना। देखना मैं तेल लगाऊंगी ना तो सब अच्छे से हो जाएंगे और तुम्हें बहुत सुकून की नींद आएगी। हनी हनी तुम रो रही हो? ऐसे बहुत अरसे बाद आपकी गोद में सर रखा ना तो थोड़ा रोना हो गया। तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार मेरी गोद में सर कब रखा था? जब तुम्हारे बाबा तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मुझे याद है, उसके बाद से अब तक सिर्फ अपनी गोद में सर रख के रोती आ रहा हूँ। कोई मिलने आया है इससे? मुझसे?
वैसे क्या देख रहा है? तुमसे एक बात क्या पूछ ली, फलसफी बन गए हो और मेरी बात का जवाब दे। अरे भाई पहली बात तो ये कि शर्म आनी चाहिए तुझे है? अरे बीवी जैसी मनहूस चीज से डरता है? उससे नहीं डरता, उसकी लंबी जबान से डरता हूँ। जब बोलती है ना तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती है। तो तू भी हाथ उठा अपना, टुंडा है क्या? आप नहीं उठता? चोटी से खींच। क्या बॉब कट करा लिया भाभी ने? औरत की चोटी का बड़ा फंक्शन होता है, चोटी खींचो तो उधर मेके तक घंटियां बजती है। हाँ? तो ये भी करके देखा है, थाने चली गई थी। अब तो ये भी तेरा कसूर है, औरत जात को थाने का रास्ता किसने दिखाया है? तार रोड किसी पुलिस वाले को लगा देता, वो इल्जाम धर देता, इज्जत बचाती फिरती, घर से कदम भी ना निकालती। अब मुझे देख, है? एक बार मेरी बीवी बोली मेरे सामने, ऐसा हाल उसने, मैंने ऐसा हाल किया उसका कि जलेबी जैसी थी और ऐसी तीर की तरह सीधी हो गई। हाँ चलो मशवरे बहुत हो गए, अब ऐसा करो कि सिगरेट निकालो, सूटा लगवाओ। हाँ यार सिगरेट खत्म हो, चलो तुम भी निकलो। चलो अबे तेरा हाल भी मेरे जैसा, चल निकलो। जाता हूँ। और वो चाय वाले को पैसे देते जाना। दे दिए मैंने, पहले ही दे दी। चल सच कहते हैं जुआ किसी का ना हुआ साला। कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। हानिया भी घर से चली गई, मैं पैसे कहां से बनेंगे? हिना भाभी इस वक्त क्या सोच रही होगी? मुनीब से तलाक ले ली जाए? नहीं, हानिया को तलाक दिलवाई जाए? तुम मिलेगी तो तलाक दिल जाएगी ना, है कहां वो हानिया? अगर हानिया को ढूंढ लूं तलाक के लिए तो भाभी के पर्स से कुछ ना कुछ तो जेब में आ ही जाएगा, लेकिन एक बार ढूंढा कैसे जाए? हाँ अभी जब एक उनका जेब के सिर काम आएगा। अब जरा हिना भाभी से इस खबर का रेट लगवाया जाए। अरे फोन कितने काम की चीज है। हिना ये चाहिए ना, हिना किधर है? नंबर ही नहीं मिल रहा। हाँ क्या देख रहा है, फोन ही कर रहा हूँ। निकल। आपको पता है आपकी बहू क्यों उसको तलाश करवा रही है? ताकि वो अपने सामने मुनीब से उसको तलाक दिलवा सके। और हानिया भी इसीलिए छुपती फिर रही है। ख्वाहिश कहूं से या तुम मदद कहूं से, ख्वाहिश कहूं से या तुम मदद कहूं से। क्या कर रही हो ये? ऐसी है अम्मी। कितनी बार तुम्हें मना किया ना मैंने, इन चीजों को हाथ मत लगाया करो। छोड़ो इसे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो बस। अम्मी मैं डिजाइनर भी तो बन सकती हूँ ना? हाँ बन सकती हो, लेकिन उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। बंद करो टीवी, इधर आओ। पता नहीं इसका क्या बनेगा, सारा दिन टीवी देखती रहती है। अम्मी तो आप मुझे एक मोबाइल खरीद देना ताकि तुम लोग और गारत हो जाओ। नहीं मैं उसमें पढ़ूंगी, आजकल सब लोग मोबाइल पे ही पढ़ते हैं। तुम ना मोबाइल पे भी फिल्में ही देखोगी, पढ़ोगी थोड़ी। अच्छा अच्छा बस कर जाओ तुम। हाँ तो और क्या, वो भी उल्टी सीधी फिल्में। मरियम ये अम्मी के घर से खाने को लाई हूँ, दोनों मिलके खा लो। अम्मी मुझे मोबाइल चाहिए। अपनी ये मशीन बेच कर ले दूं तुझे मोबाइल? मेरे पास पैसे भी होंगे ना तब भी मैं मोबाइल नहीं खरीद के दूंगी तुम्हें। पहले तुम लोग ढंग से किताबें तो पढ़नी सीख लो, मोबाइल पे पढ़ेंगी ये। अम्मी अगर आप मुझे मोबाइल नहीं लेके देंगी तो मैं सबको बता दूंगी। क्या क्या बता दूंगी? यही कि मामू ने दूसरी शादी की है।
बेगैरत मिश्रम जो है ये बाप वाली हरकतें करने लगी है। रुक जा, जिंदा नहीं छोड़ोगे तुझे मैं। अबे अब क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी बेटी ने किया है, जो हरकतें तुम करते हो ना वो कर रही है, सब वही सीख ली है उसने। ब्लैकमेल कर रही है मुझे, मोबाइल मांग रही है। जाहिर है मांगेगी, इर्द-गिर्द के बच्चों, दुनिया भर के बच्चों का उस मोबाइल है, तुम्हारी बच्चियां भी फरमाइश करेंगी। तो खरीद कर दे दो ना, इतने पैसे तो कमा ही लिए तुमने मेरे भाई का घर बर्बाद करके। उसे आबाद करने के पैसे मिल रहे अगर तुम साथ बोलो। तुम और कोई खैर का काम कर लो, तुम्हारे खून में ये बात है। सवाब के लिए थोड़ी कर रहा हूं, तुम्हारी जान की कसम तुमसे तो कभी झूठ ही नहीं बोला। पैसे मिल रहे हैं इसलिए कर रहा हूं। अब क्या करोगे? कुरान खानी करवाओगे वहां जाकर या नजर न्याज बांटोगे? फिर किस चीज का ठेका लेकर आ गए हो हिना भाभी से? हानिया को ढूंढने का ठेका। तुम्हारे भाई ने ना उसे कहीं छुपा कर रखा है, हिना के जाने के बाद निकाल लेगा। हिना चाह रही है कि अपने सामने उसे तलाक दिलवा कर जाए। तो जाओ ना, जाकर तलाश करो उसे। किसी ने रोका है तुम्हें? आसान काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं किस कोने में छुपी होगी, अब शहर में होगी या शहर से बाहर चली गई। अकेले बंदे का काम नहीं है, पूरी एजेंसी का काम है। लेकिन ऐसे हो सकता है फटाफट अगर तुम मेरा साथ दो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो तुम्हारा जिन किस दिन काम आएगा? इसे क्या मुझे पीटने के लिए रखा खाली? देखो तुम वो जिन से कह के ना उसके एड्रेस का पता कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुलाम रहूंगा। सही कह रहा हूँ? हानिया को गायब रहने दो, इसी में उस घर की भलाई है, समझे तुम? जी जिन बाबा। नहीं चले गए? हाँ, देखने में तो मुझे बहुत अच्छे आदमी लग रहे थे। बहुत अच्छे इंसान हैं। जब इतने अच्छे हैं तो फिर तुम उनकी मुलाजमत छोड़ के क्यों आई? मुलाजमत उनकी नहीं थी, उनके बेटे की थी। और उनका बेटा बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। मुझे तो बहुत परेशान लग रहे थे वो, कम से कम तुम उनसे मिल तो लेती। दुख होता उन्हें भी और मुझे भी। क्यों, क्या हुआ है? कैसे बताती मैं उनको कि उनका बेटा एक बुरा इंसान मेरे और उनके खूबसूरत और मुकद्दस रिश्ते को खराब किया है उसने। क्यों, क्या किया उसने? कुछ नहीं, बताओ मुझे। कुछ नहीं, कहा ना बुरा आदमी था, बुरी नजर रखी मुझ पर, और क्या बताऊं आपको। इसलिए कहती हूँ कि शादी कर लो। आखिर कब तक लोगों से अपने आप को बचाती फिरोगी? और अब तुम्हें दुबई जाने की पड़ गई है। खुद को बचाना सीख लिया है मैं। आप परेशान मत। सुनो, वो जाते हुए कसम खा कर गए। कैसी कसम? लिली,
पानी पिलाओ मुझे। मैंने कहा था आपसे वो नहीं मिलेगी। आप खामखा निकल गए समंदर में सुई की तलाश के लिए। सुई तो मिल गई आयशा, लेकिन मैं उसे उठाकर ला नहीं सका। नफीसा बेगम कभी किसी के काम ना आना है, शौहर कमा के लाता रहे, मदद ना करना उसे। जिनका चार डालना अगर हानिया को ढूंढ के नहीं ला सकता था एक बालमिया, फिर शहर का चप्पा चप्पा छानते हैं और बच्चे बच्चे से पूछते हैं हानिया का बता। हानी खाना खा लो बेटा। अम्मी मुझे भूख नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने यखनी वाले चावल बनाए, तुम्हें बहुत पसंद थे ना। बाद में खा लूंगी। तुम उस बूढ़े की वजह से परेशान हो? आपको नहीं पता अम्मी कि वो कितने जिद्दी इंसान हैं। जो कह के गए हैं वही करेंगे, और अगर उन्होंने इंसुलिन नहीं लगाई तो उनका शुगर लेवल बहुत रेस कर जाएगा। बेटा वो जिद्दी हैं, पागल तो नहीं है ना। जब मैंने उन्हें बता दिया तुम यहाँ नहीं हो तो फिर जिद किस बात की। और मैंने तो उनसे ये भी कह दिया अगर तुम यहाँ आई तो मैं उन्हें बता दूंगी। अम्मी उनको इस बात का यकीन है कि मैं यहाँ पे हूँ, वरना वो ऐसी बात करते ही नहीं। तो ठीक है, तुम चल के उन्हें समझा दो, बता दो उन्हें कि उनका घर क्यों छोड़ कर आई हो, या कहो तो मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, वो वहां शुगर से मरे ना मरे लेकिन तुम यहां भूख से जरूर मर जाओगे। वो वहीं थी आयशा, शुभी बैठी थी मुझसे। वो वहां नहीं हो सकती, आपको खामखा शक हो रहा है। शक नहीं, यकीन है मुझे। वो परसों से वहां नहीं गई, अब वो वहां क्यों जाएगी? मैंने तुमसे कहा था नाशा कि जब इंसान टूट जाता है तो दो ही जगहों पे जाता है, या माँ की गोद में या अल्लाह के मान। नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो शहर में है ही नहीं, वो तो बाहर चली गई मेरे ख्याल से कहीं अपने किसी दोस्त या सहेली के पास। अब आप भी उसे भूल जाएं और आराम से बैठें घर में। नहीं आयशा, वहाँ लाउंज में उसका सामान रखा हुआ था, बाहर तार पे उसके कपड़े टंगे हुए थे, उस घर में उसकी खुशबू थी। लेकिन उसकी माँ बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश कर रही थी, अगर मैं सब समझ रहा था। तो अगर वो आपसे छुप रही है तो आप क्यों उसे ढूंढते फिर रहे हैं? मैं धमकी देकर आया हूं, अगर उसे जरा भी मेरा ख्याल होगा ना तो वो आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसको कसम दी है कि जब तक वो आंखें मुझे इंसुलिन नहीं लगाएगी तब तक मैं इंसुलिन नहीं लगाऊंगा। जो आग बुझ चुकी है उसको आप फिर से क्यों भड़काना चाहते हैं? आपको पता है आपकी बहू क्यों उसको तलाश करवा रही? ताकि वो अपने सामने मुनीब से उसको तलाक दिलवा सके। और हानिया भी इसीलिए छुपती फिर रही है, आपकी किसी धमकी वमकी का उस पर असर नहीं होगा, वो आपको इंसुलिन लगाने नहीं आएगी। तो बस अपनी इन बूढ़ी हड्डियों को आप आराम दें, चैन से बैठें घर में।
वो आएगी, जरूर आएगी। अगर वो आएगी तो फिर वही तमाशा होगा, आपका रोना पीटना, जो कि वो बिल्कुल नहीं सुनेगी। वो आपको इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाएगी, अपना तलाकनामा हाथ में लेगी और चली जाएगी। आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा, आपका शुगर लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, मुनीब से उसका रिश्ता टूटेगा ना? वैसे तो नहीं, अगर वो गई तो उसके साथ मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। तुम मदद कौन से ख्वाहिश कौन से या तुम मदद कौन से। तो अब तुम अपने बच्चों से रुखसती की इजाजत दोगे? हाँ हानिया बीबी, बहुत हो गई छुपन छुपाई है, अब कोई नया तमाशा लगाते हैं। क्या छुपा रहे हैं आप? कम से कम तुम्हें चाहिए था कि मेरे साथ रास्ते में रहती। मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी जरूरत थी। क्या बताऊँ मैं आपको, हूँ यही कि तुम्हारे और मुनीब के बीच क्या चल रहा है। निकाह के नाम पे जो तुम दोनों ने किया वो महज एक मजाक है, एक धोखा और एक चोरी। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मानेगा तो अब मुझे तुम्हारा सारा खानदान सब पता करा लिया मैंने अपनी मेहनत और मुशक्कत से, पता है? इसका मतलब है कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूं? नहीं, वो अपने आप को कुछ करना ले बेटा। शर्म नहीं आई तुम्हारे से करते हुए? फिर तुमने अच्छा नहीं किया। या तुम मदद कौन से।